कुछ बड़ा योगदान दे सके तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं है और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया हमें प्रकृति ने सिखाया है प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है वो तो हमने शहरों में गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है और थोड़ी बहुत सुरक्षित ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है लेकिन जंगल का नियम प्रकृति का नियम सुरक्षित नहीं टिका है वो खतरों पर टिका है जोखिम पर टिका है जो भी आप में से अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है मेरी नज़र में वही ऑन्टोप्रिनर है वही उद्यमी है और और जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है होना भी नहीं चाहिए जोखिम महात्मा गांधी ने भी लिया अंबेडकर साहब ने भी लिया दोनों शानदार वकील थे डॉक्टर अम्बेडकर मैं परसों कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया जहाँ से उन्होंने पी की एक पी की लंडन स्कूल से दूसरी तीन पी की उन्होंने इन लोगों ने अपने अपने सफल करियर को दांव पर लगा के जोखिम लिया कि देश को एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक मंच मिल सके ये सोशल इंटरप्राइज है पॉलिटिकल इंटरप्राइज है दास हों गुरु नानक हों या महात्मा बुद्ध हों महावीर स्वामी हों इन सब ने अपने अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला ये सब उद्यमी लोग हैं कोई स्पिरिचुअल एंटरप्राइज करता है कोई सोशल एंटरप्राइज करता है आप बिज़नेस एंटरप्राइज वाले लोग हैं लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिज़नेस में पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखेगा वही आपके उद्यम को चला पाएगा लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ़ पैसा कमाता है वो समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए बहुत बुरा लगेगा पर मुझे यह सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी मैं आपको दे देता हूँ आज घर जाके अपनी ओबिच्वरी लिखिए ओबिच्वरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है उसके बाद के चार लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं लिख लीजिए उसे बनाइए विजन स्टेटमेंट वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया इसने गुटका बनाने वाली कंपनी बनाई इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे